सो आप कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई इलाका चेंज किया और आपको बहुत प्रॉब्लम? और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको लगता है करना चाहिए? देखें, ये तो कॉल है कि आप सफर में हमेशा जब भी आप अपनी जगह बदलते हैं ना, तो आपका रिस्क में भी इजाफा होता है, आपकी बरकत आती है। खड़ा पानी तो हमेशा बदबू देता है। सही बात। अब अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, तो आपको देखना है कि आप किस मोहल्ले में रह रहे हैं, आप किस इलाके में रह रहे हैं, आगे चलकर उनकी शादियां भी करनी है। अगर आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को तो जरूर कीजिए। हम लोगों का सफर शुरू हुआ दादा दादी के घर जेल रोड से, ठीक है, वहां से जैसे ही हमारे थोड़े से कराची की बात। अच्छा, आप पहले कराची में थे? नहीं, मैं पिंडी में थी। हाँ। पिंडी से शिफ्ट हुए कराची आए, काम शुरू किया, तो क्योंकि दादा दादी के घर पे हम रहते थे, मेरी बड़ी फूफो वहाँ आती थी, तो मैं वहाँ रही, फिर पापा मम्मी भी वहीं आके रहने, तो कहते हैं ना आसानी से एक जगह मिल गई तो आप रहना शुरू हो गए। इवन दो उसमें हैदर की शादी भी हुई, ऐसा नहीं, तो जैसे ही हमें मौका मिला आई भी हूँ, फिर हम तारिक रोड शिफ्ट हुए, हमने थोड़ा अपने आप को अपग्रेड किया, फिर तारिक रोड से एक और फ्लैट में शिफ्ट हुए, फिर अब क्योंकि हमें लगा कि अब दो बच्चे हो गए, यार माहौल बहुत काउंट करता है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग किस, मतलब आपके भाई के दो बच्चे है ना, उनकी स्कूलिंग है, उनकी चीजें हैं, फिर हम जहाँ एक और फैमिली बड़ी, हमें और अच्छा अल्लाह ने दिया, हम डिफेंस शिफ्ट हुए ताकि हमें और बेहतर माहौल मिले। तो मेरे हिसाब से आपको अपना इलाका, अम्मी को बहुत प्रॉब्लम थी, अम्मी ने बहुत बहुत उस वक्त, पापा अम्मी दोनों ही नहीं चाहते थे कि, एक तो उनके बाप का घर था कि मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता, इसमें यादें हैं, मैं कहा वो सारी यादें सब कुछ है, लेकिन वो जब आपको फलता फूलता देखेंगे, आपके बच्चों को अच्छा देखेंगे, आपकी सेहत को अच्छा देखेंगे, तो वो कितने खुश होंगे, उनकी रूह कितनी खुश होगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम ये दरो दीवार संभाल के बैठे, इंपॉर्टेंट ये कि उनसे जुड़े रिश्तों को हम बेहतर तरीके से संभालें। वो आप सबने देखा कि मैंने अपने वालदैन को हमेशा बेहतरीन लाइफ देने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास ही चॉइस है तो अपना घर और अपॉर्चुनिटी है, जरूर चेंज करें, वसाइल जरूर चेंज करें। जैसे गाड़ी कोई ले लो ना, मतलब पहले कोई एक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी, फिर बड़ी, फिर अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड करना। आप बताएं, ये भी शुक्राने में आता है आपके पास। आप बताएं कि आपको अगर कोई इलाका चेंज करना पड़ा, हमने तो क्या किया? जैसे हम लोग जब कराची आए थे, जब मतलब पेरेंट्स का बताऊं तो अजीजाबाद में आए थे, उसके बाद नॉर्थ शिफ्ट हुए थे, फिर डिफेंस गए थे, हमारी मतलब मेरी जो बहनों की शादी थी वो डिफेंस से हुई थी। फिर जब सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, तो फिर हमें अम्मी वापस अपने घर नॉर्थ आ गए। अच्छा, वो नॉर्थ वाला घर आप लोगों का अपना था? वो भी डिफेंस का भी था, लेकिन वो वापस से घर बड़ा था, शादियाँ हो गई, फिर वो था ना पुराना मोहल्ला, और इस वजह से फिर अम्मी अबू फिर वापस आए, सबकी शादियां वादियां करके, भाई वो एक अटैचमेंट थी, क्योंकि माँ बाप को वहां सकून वो शुरू से, सिर्फ छोटे छोटे बच्चे वहीं से मतलब पले बड़े थे, लेकिन जब जैसे मेरा था कि मैं गुलशन में रही, फिर डिफेंस में रही, फिर वापस अभी वापस अम्मी अबू की तरफ आई नॉर्थ में, लेकिन मैंने अपने बच्चों का जहन में रखा हुआ था हमेशा, एक ही शर्त थी शादियों की, दोनों की शादियां मैंने बाहर की, मैंने कहा मुझे पाकिस्तान में शादी करनी ही नहीं, ये मेरी चारों की शर्त है मेरी। आपने आपने ये रख लिया? ओहो, मतलब आप ये सोच रही हैं मैं जॉगर्स पहनूंगी, कभी एक मुल्क जाऊंगी बेटी के साथ? अभी 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 भी यही होता है, इधर निकल के, अभी इधर निकल के, मैंने कहा दो की, एक ऑस्ट्रेलिया चली गई, एक सऊदी, जबकि पेरेंट्स जो है वो कहते कि नहीं हमें बाहर नहीं भेजा, कभी भी नहीं। मैं कितने रिश्ते आ जाए, मैं वो खैर अल्लाह ने लिखा है हमें नहीं पता, लेकिन एक ख्वाहिश जो होती है ना वो शुरू से ये कि बच्चियों को चारों को अलग अलग भेजना है, अम्मी अबू सब लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं कहा नहीं वो तो नसीब, क्या वैसे ख्वाहिश है, माँ बाप तो कहते हैं अपने आप से गरीब है। नहीं नहीं, देखो आजकल कोई भी दूर नहीं है, लेकिन आप देखो ना, आप अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर सोच रहे हैं, आप फ्यूचर, फ्यूचर भी तो देखना है। अभी कोशिश ये होती है कि चलो पढ़ते हुए निकाल दो उनको, शादियां कर दी, लेकिन मेरा हमेशा ये की जैसे अल्लाह ने लिखा या मौका मिला उनको मैंने निकाल देना, अब जैसे अल्लाह ने लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस ये है, कोशिश है। मैं तो खैर घूमती रहती हूँ। ये तो है, ये तो है। हाँ भाई किरण, तुम बताओ, तुमने जिंदगी में जो चेंजेस इलाकों को तब्दील करके की है उससे? नहीं, मुझे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इलाके, मुझे वैसे खैर शुरू से था कि मुझे डिफेंस एरिया में जाना है, मेरी शादी होगी तो मैं कहीं डिफेंस वाले कोई वो करूंगी, बट मुझे मैटर नहीं करता इन द सेंस कि अगर मुझे पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर भी कुछ काम हो या कुछ करना पड़े,
मैं वहाँ भी सेटल हो जाऊंगी। तो मैं कोई प्रॉब्लम तुम्हारे लिए मैटर नहीं, कुछ लोगों के लिए तो मैटर नहीं करता। हाँ नहीं, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अगर काम है तो, बिना वजह नहीं, काम के लिए तो फिर मैं। तुम ये कि तुम खुद काम करती रहो, प्रायोरिटी काम होना चाहिए, फिर मैं कहीं भी रहूँ तो मुझे प्रॉब्लम, मुझे अटैचमेंट का ऐसा नहीं है। हाँ सहूलत ऑफकोर्स देखता है कि ऐसे इलाके में रहो थोड़ी सी सिक्योर है तो मैटर करता है वरना नहीं। हाँ। मैं तुम बताओ निदा, तुम्हें मुझे तो काफी चेंज करने पड़ी होंगी ना। मुझे मजा आता है चेंज करने में। मुझे मुझे इतनी आदत है कि अगर मेरा रूम है और बेड ऐसा रखा हुआ है तो मुझे ऐसा चाहिए, कभी मुझे ऐसे चाहिए, कभी मुझे ऐसे चाहिए, मुझे चेंज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर चेंज करना, आप अपनी हैसियत के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन घर की चीजें मुझे चेंज करना बहुत अच्छा लगता है, ये चीज ठीक है निकाल दो, नहीं ले आओ, ये वाली कर दो। तो हस्बैंड बहुत चिढ़ते थे इस बात से कि एक दिन हमारी शादी हुई और मैंने बेड की साइड चेंज कर दी, वो तो ये कि नहीं ये मेरा बेड साइड है तो ये यही होगा। मैं अभी गई हूँ शिकागो तो पीछे आई तो मेरे मियाँ ने जो है कमरे का जो था वो सेटअप चेंज कर दिया, और मैंने आते ही मैंने कहा लॉ ये अच्छा है ये बुरा है, अरे हाय रंग तू ऐसा कर दिया ये, मैं जब से कुड़कुड़ 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 कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना अच्छा पसंद नहीं आ रही वो चीज, आई डोंट नो व्हाई। आप दोबारा चेंज कर दे, दोबारा चेंज कर दे, उसको भी चेंज कर दे, वो माइंड कर, मुझे भी चेंज बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे कह रहे मम्मा अच्छा लग रहा है, मैंने कहा मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपके कितने दिन अच्छा लगेगा ये देखते हैं। अगर कोई घरों का चेंज आया तो मेरे मियाँ की तरफ से आया, अगर हम अपार्टमेंट में रह रहे थे मैं उधर भी खुश थी, मैं कहा हाँ वेरी गुड सही है, नहीं नहीं हम वहाँ रहेंगे अब, अच्छा चलो। मुझे शिफ्टिंग करने से बहुत कोफ्त होती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, इतनी कोफ्त होती है, मुझे लगता है कि सफाई हो जाती है। चीज नहीं, मैंने मुझे कह रही तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर शिफ्ट हो जाओ, पाकिस्तान नहीं छोड़ना, ये मेरा दिल मुझे भी बहुत, मेरा दिल ऐसा हो जाता है, मैंने कहा पाकिस्तान में ही रहना है मुझे, आई लव पाकिस्तान, मुझे घूमने की अब तक पसंद है लेकिन कहीं रहना है, घूम के एंजॉय करके आ जाऊं वापस। हाँ, वापस और कराची अपनी रूट्स है ना, है ना, रूट्स की वजह वही ना, यूज्ड टू है ना, एक एक इलाका पता है कि किधर जाना है, किधर गली में घूमना है, शॉर्टकट किधर से घूमना है, नेविगेटर हो ना हो, बत्ती कब जाएगी, गैस कब जाएगी, हर सब चीजें इम्यून है ना, हम इसको ओन करते हैं कि ओनरशिप है हमारा है। बिल्कुल स्किन चेंजेस, हाँ भाई ये भी बहुत, ये मैंने ना स्किन केयर की चेंजेस भी हम बहुत करते हैं बहुत ज्यादा, और मेरी तो स्किन वैसे भी यूं दिखने में सही होगी लेकिन मैं जानती हूँ ना कि इतने ज्यादा उसमें छुपे छुपाए निशान और टेक्सचर और ड्राइनेस, तो मैंने ये रेटिनॉल रेटिनॉल जब ये रेटिनॉल वाला फीवर चला था तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया, रेटिनॉल क्रीम और एक वो हाइलुरोनिक एसिड उसका सिरम, रात में पहले तो मैं वो अच्छे से फेस वॉश किया और वो जो टोनर होता है उसे कॉटन से जितना मजीद डर्ट है उसको भी हटाया, फिर मैं वो सिरम लगाती हूँ और वो क्रीम लगाती हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज करती हूँ और फिर सोती हूँ, तो जो मेरी स्किन का सुबह टेक्सचर होता है ना बार बार छू मेरे को मजे की, आपका बेस इतने अच्छे से लगता है। नहीं मुझे बताओ रेटिनॉल रोज लगा सकते हैं? हाँ नहीं, शुरू में उसका एक प्रोसीजर होता है कि वो कितने परसेंट का है, हफ्ते में आपने दो या तीन दफा लगाया, एक आध दो दिन का गैप देके आहिस्ता आहिस्ता स्किन को आप यूज टू करें, उसके बाद में तो वो जो मैं क्रीम लगाती हूँ वो ऑलरेडी मिक्स हुई हुई है तो वो बिल्कुल वैसा रेटिनॉल 100% नहीं है ना, 100% प्योर नहीं है। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.